भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171 सी, 153 बी, 188, 505 दो तथा आरपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। उसका नाम हो गया राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।